ओ तेरी लॉन्ग टाइम नो सी यहाँ। वेलकम टू अनदर वीडियो। आपका भाई इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पे है एंड वी आर गोइंग टू लंदन। यस, आपने सही सुना, आपका भाई जा रहा है इस वक्त लंदन। और इस वक्त रात के 3 बजे हुए हैं एंड रमज़ान चल रहा है, बट सफ़र में कहते हैं कि रोज़ा माफ़ हो जाता है, वो हम बाद में रख लेंगे इंशाल्लाह। तो सफ़र वैसे भी काफ़ी लंबा होने वाला है। यहाँ से आपकी भाई की फ़्लाइट है इत्तेहाद की और हम पहले जाएंगे अबू धाबी, वहाँ पे 7 घंटे का स्टे है एंड देन आफ्टर दैट वहाँ से हम जाएंगे लंदन। इस वक्त मैं आपको लाहौर एयरपोर्ट का जो ये लाउंज है ये मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं एंड देन वी विल गो टू अबू धाबी एयरपोर्ट और वहाँ पर भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो लेट्स गो, लेट्स शो यू अराउंड। बेसिकली वहाँ से हम इमिग्रेशन से निकलते हैं और एक ये लाउंज है, एक उस साइड पर लाउंज है। इस साउंड में अगर हम यहाँ से एंड से स्टार्ट करते हैं तो वी हैव अ ब्रांडेड लेदर शॉप है, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं राइट साइड और इसमें यहाँ पे हमारे पास है हैंडीक्राफ्ट कारपेट एंड शॉल शॉप और यहाँ पे है डंकिन डोनट्स। सो इसके बाद यहाँ पे ये सारा खाली है, वहाँ पे एक दुकान है वो भी एंटीक किस्म की जो है ना शॉप है। दिस इज द वेटिंग एरिया, वेटिंग लाउंज। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स हैं, सी स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे चार्जिंग की स्लॉट्स हैं, 7 लगे हुए हैं चार्जर्स। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड है। ये ऊपर जो है ना, ऊपर है कॉफ़ी प्लांट वगैरह, ऊपर जाके एक बार चेक करते हैं कि क्या सीन है। CIP लाउंज ऊपर, और आपको वाईफाई वगैरह भी मिल जाता है यार? वाईफाई वगैरह ऊपर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा वाईफाई, वाईफाई मिल जाएगा। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ऊपर? जो जीन्स वगैरह ये सारे ब्रांड्स वगैरह ऊपर ना सही कैफे जो बना सारा ऊपर आ जाइए, आपको दिखा देते हैं। चलो देख लेते हैं, किसी ने कैफे में आना हो तो वो ऊपर है हमारे पास। ग्लोरिया है, वो कॉफी प्लानेट है, ये जूस। अच्छा जी, ग्लोरिया जीन्स आ गया, ये कॉफी प्लानेट है एंड ये बेसिकली CIP लाउंजेस आ गए। अच्छा बिजनेस क्लासेस वहाँ पे आ गए, तो बिजनेस लाउंज उसका क्या? लाउंज का सर कार्ड होता है, अगर कार्ड पे हो ठीक है, वरना वो आपकी टिकट भी बिजनेस होनी चाहिए उसके लिए। जी उसमें हो जाइए, जब गोल्ड कार्ड होता है बैंक का वो ठीक है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आपको सर इधर इसकी जैसे बैठना पे देंगे वो 4,200 रुपये, 4,200 रुपये जी, $18 बनते हैं, $18 बनते हैं, ठीक है। और इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं बिजनेस लाउंज में? सर इसमें खाने पीने की देते हैं आपको चीज़ें, वो बेसिकली फ्री है? जी वो फ्री होती है, मतलब बुफे टाइप हो जाता है सीन। एंड लेट्स सी अंदर कैसा रहता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द बिजनेस क्लास एंड ये वहाँ पर। अच्छा, तो इसमें हमारे पास बुफे में ये ज़्यादा सैंडविचेस, बिस्किट्स, केक एंड ठीक। एंड यू गॉट द वाईफाई फैसिलिटी है, सो यहाँ पे आप आराम से आके बैठ के सुकून कर सकते हैं। चिलिंग्स करनी है ना तो आप यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सो लेट्स गो। अच्छा चार्जेस क्या हैं बिजनेस लाउंज के? 5,000। फिर वी कैन ऑल्सो गो टू कॉफी प्लानेट और ग्लोरी जीन्स, सो लेट्स सी क्या मूड होता है। सो इफ़ यू विल कम टू लाहौर एयरपोर्ट तो लाजमी आप ये व्लॉग देख सकते हैं। ये भी रेट से सेम ही है बस, ठीक है। आपको ग्लोरी जीन्स का मेन्यू भी दिखा देते हैं तब तक सब। दिस इज द मेन्यू, ये कॉफ़ी प्लांट है एंड लेट मी शो यू देयर मेन्यू, ठीक है। चलो जी लेट्स इट है एंड देखते हैं कैसे होता है। मैं दिखा भी दूँ, एक रैप कर दो और साथ में कोल्ड कॉफ़ी है। यस सर, इस कोल्ड कॉफ़ी में आइस कैरामल, आइस वनीला, आइस हेज़लनट। चलो फिलहाल रैप कर दो फिर बाकी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलो लॉन्डे ने हमें घेर लिया, ठीक है। कहता है यार आप कॉफ़ी प्लांट पे आए, कॉफ़ी प्लांट पे हैं, तो अब बैठ गए हम कॉफ़ी प्लांट पे और खा रहे हैं। थोड़ी सी वैसे भूख लग गई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, और रेट्स भी रीज़नेबल हैं, सो यू शुड डेफिनेटली कम हेयर। और अगर वो CIP लाउंज में नहीं जाना ना तो एटलीस्ट यहाँ ऊपर आ जाना, यहाँ पे एटलीस्ट सेटिंग भी मज़े की सीन है। और इस वक्त मैं तो अकेला आया हूँ और सामने मैंने अपना साजो सामान रख दिया, तो इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा चिल करते हैं। रैप मंगवा लिया और पीने के लिए अगर कुछ लेना होगा तो ले लूँगा। लेट्स सी कि रैप कैसा होता है, रैप के आने का बड़ा वेट है इसलिए क्योंकि भूख लग रही है आपके भाई। इसकी बात करते चलें तो मैं आपको रेट्स भी इनके दिखा देता हूँ, विच आर टोटली रीजनेबल। इफ़ यू सी इस पर 18% GST इंक्लूड होता है जो कि टैक्स होता है, सो वो आप लोग देख लीजिएगा कि कितना बनता है।
फ्रिजर रैप। आई होप कि अच्छा हो। अब मंगवा तो लिया है, फ्रेंड्स की तो शॉर्ट में टाइप लग रहा है, लेकिन चलें देखते हैं कैसा, देखते हैं। तो क्या याद करेंगे आप लोग, मैं आपको एक बहुत ही अलग किस्म की फेवर देने लगा हूँ। ये जो कॉफ़ी प्लानेट है ना, इसका आपका भाई आपको इंटरनेट पासवर्ड बता देगा अभी, ठीक है। आप लोग क्या याद करेंगे यार, दिस इज गिफ्ट फ्रॉम मी। रखें पासवर्ड, लिखिए 8877665। देखें इतना सखी दिल कौन होगा, ये आपका भाई है जो आपको बता रहा है। कॉफ़ी प्लानेट का अगर आपको यहाँ पे वाईफाई सिग्नल दिख रहा हो, पासवर्ड लगा लीजिएगा और दुआएं दीजिएगा भाई। तो भाई रैप आ गया, ये देखें, आए हाय हाय रैप आ गया। इसको चख के देखते हैं ये कैसा है। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि वाकई मज़े का है या ऊंची दुकान फीका पकवान, देखते हैं। अच्छा, ऑनेस्टली बहुत अच्छा, एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस। मज़ा आ रहा है भाई, मेरी तो भूख ख़त्म हो रही। भूख लगी हो तो आप कुछ भी खाते हो और उसमें आपको क्रीम मिल जाए, क्या ही बात। सो डेफिनेटली मस्ट ट्राई। ये है इनका ड्रिंक्स मेन्यू, अगर आप खा लेंगे तो उसके बाद अब आप कुछ पी भी सकते हैं। लो भाई, आफ्टर ह्यूज डिस्कशन आपके भाई ने वेरी वनीला ऑर्डर कर दिया है। अभी रस्ते में भी हमने वनीला शेक पिया था, एंड अगेन वी आर गोइंग फॉर वनीला। तो वी गॉट आवर वेरी ऑन वेरी वनीला। चलो इसको पी के देखते हैं, शक्ल से तो अच्छा लग रहा है। एंड लेट्स सी कॉफी प्लैनेट इट इज। आप लोग अगर ये रोज़े के दौरान देख रहे हैं ना, तो यकीन करें भाई को बहुत गुनाह मिलने वाला है। तो बर मेहरबानी इसको अफ्तारी के बाद देखिएगा और सहरी से पहले, डिस्क्लेमर है। फिट गुड। झूठ बोल रहा है। सो इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ कॉफी इन इट और वनीला, और थिक नहीं है ये, बेसिकली क्या कह सकता हूँ इसको मैं, लिक्विड ही है, लिक्विड ही है। शेक बहुत थिक होता है ना, ये थिक नहीं है, लिक्विड ही है, और थोड़ा सा इसमें ना कॉफी का फैक्टर। सो दैट्स व्हाट इट इज। सब जाने लगे जहाज में। ओके, सो इस वक्त जहाज में बैठ गए हैं, सीट वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। असल में वो उम्र वाले लोगों का ग्रुप है, तो वो सब इकट्ठे बैठ गए हैं, तो मैं इस वक्त आ गया पीछे, और इस वक्त भाई मेरे साथ हैं, और सेंटर में सीट खाली है, एंड खुल के जा रहे हैं, अच्छा सीन हो गया बल्कि। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह सेफ जर्नी रहेगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। बेसिकली जहाज़ से मैं निकल चुका हूँ, और यहाँ से निकल के ये बस आई है जो कि हमें एयरपोर्ट तक पहुँचाएगी। तो लेट्स गो। लोग बैठ गए और हमें जगह नहीं मिली। वाह। तो हम
तो यहाँ पे बैठ गए हैं, एक जगह सी थी और लोग इस पर वहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल, तो हमने जगह जो है आंटी को दे दी और हम होंगे खड़े होके जाएंगे। ये चीज़ वो लोग जो है ना वो सब उमड़े के लिए जा रहे हैं और उनकी स्टोरी मैं भी आपको सुनाता हूँ। तो फाइनली बस ने गेट नंबर 31 के आगे उतारा है। सो दे आर सेइंग कि अगर तो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप मेरी साइड पे आएंगे, वरना आप उधर जाएंगे। सो लेट्स सी, कनेक्टिंग फ्लाइट है मेरी लंदन एंड आई एम गोइंग हेयर। ओ बहन इसके दिमाग के रश चेक कर देगा। सो देखते हैं आगे जाके क्या सीन होते हैं, अभी तो बहुत ही बुरा हाल लग रहा है। आफ्टर इतनी लंबी लाइन के बाद अब मैं फाइनली बैठ चुका हूँ और मैंने कहा कि चलें बात करते हैं। और तो वो जो मैंने आपको उस वक्त कहा था, एक उम्र वाले लोग आए हुए थे, दे वर अराउंड 30 पीपल, ठीक है। तो उनमें से ना एक औरत की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, उसका हो गया रिपीट लो। तो अब फ्लाइट में जो एयर होस्टेस है उसको समझना है, उसको वो अपनी देसी जबान में उसको समझा रही थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रही है। तो आपके भाई बीच में आए, मैंने उसको ट्रांसलेट करके दिया, मैंने उसकी बात उसको समझाई और एयर होस्टेस बड़ी मुतासर हुई कि यार ये तो मेरा काम ईजी हो गया। सो उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, कहती है थैंक यू सो मच, आई गिव यू चॉकलेट्स। तो ये है इस चॉकलेट की कहानी जो आपके भाई को मिली है एज अ गिफ्ट। तो देखें अच्छे काम कभी कभी कर लेने चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करेंगे तो आपको चॉकलेट भी मिलेंगी और नेकियाँ भी मिलेंगी। सो आज का लेसन है कि अगर आप कभी भी कहीं पे भी जाएं, कोई भी बुज़ुर्ग लोग हों या कोई भी ऐसे लोग हों जो कम्युनिकेट ना कर सकें, एंड इफ़ यू कैन डू फॉर देम तो ज़रूर कीजिए, इससे अल्लाह भी आपकी आगे हेल्प करेगा एंड आपको सवाब भी मिलेगा और चॉकलेट्स भी मिल सकती है भाई। चॉकलेट्स तो हम चॉकलेट्स भी खाएंगे, अभी आपको अबू धाबी का एयरपोर्ट भी दिखाऊंगा। मेरे पास टोटल 4 घंटे हैं और अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा क्या क्या सीन है यहाँ पे और रश बहुत ज़्यादा होगा। सो आई विल शो यू अराउंड। ये मैंने शोखी मारने के लिए ना ज़रा मैंने ऐनक भी मॉल फुल बना दिया। ये है टर्मिनल 1A के गेट्स और यहाँ पे जो है स्लीपिंग लाउंजेस राइट साइड पे हैं जो ऊपर साइड हैं और यहाँ पे ऑल बेड लाउंजेस हैं, तो उनको चेक करते हैं कि वो कैसे हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं और इट सेज एयरपोर्ट लाइब्रेरी इज हेयर एंड टर्मिनल 3 पे मैंने वैसे जाना है जो कि उधर है, लेकिन लेट्स एक्सप्लोर फर्स्ट। तो अभी वेलकम टू टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 को ये रास्ता जाता है, देखते हैं टर्मिनल 1 कैसा है भाई। ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा जाता जा रहा है और ये लेफ्ट पे जहाज़ खड़ा है एयर अरेबिया। और टर्मिनल 1 में मैंने सुना कि काफ़ी खूबसूरत है, सो लेट्स चेक दैट आउट। और जैकेट मैंने ये यूँ मान लिया, बैक पैक पीछे है और अब हम जा रहे हैं आगे टर्मिनल 1 की तरफ। ओ भाई चल चल के निस्त बज गई है, लेकिन जाना तो पड़ेगा और वहाँ से वापस जब आना है वो काम ख़राब हो जाना, लेकिन चलो सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम जा रहे हैं। सो बेसिकली चलते चलते मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से हमने जाना है लेफ्ट। वो जो आपने अबू धाबी का बेसिकली एयरपोर्ट देखा हुआ है, वो जो खूबसूरत सा वो सामने है वो, चलो उसको जाके चेक करते हैं, ठीक है लेट्स गो। चलो देखते हैं। ओके सो दिस इज दैट थिंग, ये है ना खूबसूरत एयरपोर्ट, दिस इज द लाउंज। ये वो एक्सपेंसिव घड़ियाँ हैं जो आप अपने रिश्तेदारों के लिए कभी भी नहीं लेंगे, ये सिर्फ आप जो है ना खुद यहाँ से देखते हैं लेकिन लेते नहीं। एंड दैट्स प्रादा एंड रेवन। आए हाय, अगर कोई मेरा चाहने वाला देख रहा है तो प्लीज़ गिफ्ट मी दिस। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना तो यहाँ पे यकीन करें करेंसी एक्सचेंज के अलावा और कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जो मैं कह सकता हूँ कि काम की है। बीच में ये बैठने का एरिया सारा, ठीक है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं एंड ये बेसिकली ये खाने पीने की चीज़ें हैं, स्नैक्स हैं बेसिकली एंड ये ड्रिंक आइटम्स एंड दैट्स इट। ये हमने पूरा चक्कर लगा लिया इस सब के लिए जो है ना हम खवा रहे थे। बेसिकली मैंने आपको ये दिखाना था, दिस वाज़ द मेन थिंग जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यही मैंने जो है ना काफ़ी व्लॉग्स में भी देखा था एंड खूबसूरत तो है भैया, खूबसूरत तो है।
और इसी के बगल में अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखें बाबा जी, ये चेक करें पाकिस्तानी बॉयज चिलिंग। यहाँ से मुझे एक और चीज नजर आई है, वो देखें सामने क्या है, वो है मैकडॉनल्ड्स। तो लेट्स ट्राई मैकडॉनल्ड्स या हम बर्गर किंग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या खाना है। मैकडॉनल्ड्स जाते हैं और देखते हैं कि सेटिंग एरिया कैसे है। असल में बर्गर किंग का जो है ना बहुत ही डेड किस्म का सेटिंग था, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि मैं जो है ना मैकडॉनल्ड्स चला जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी 3 घंटे पड़े हैं और 3 घंटे में बंदा मैकडॉनल्ड्स खा ले वो ज़्यादा बेटर है। सो लेट्स सी, रेट्स पहले देखते हैं और एम्बियंस देखते हैं एंड देन वील सी वॉट टू डू मैकडॉनल्ड्स और बर्गर। तो मैकडॉनल्ड्स का जो मेन्यू है वो सेम वही है, वो 8 pounds लार्ज मील 8 pounds एंड द स्मॉल वन विल बी 6 pounds। ओके, बट दिस वन इज डबल वन या आई गेट इट। वही रेट्स भी हमने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे पड़ रहा है 6 pounds में छोटा विद मील एंड साथ में जो है 8 pounds में आपको पड़ रहा है बड़ा मील डबल फिलो फिश बर्गर। सो फिलो फिश मुझे बहुत पसंद है एंड देखते हैं, मैंने बर्गर किंग के प्राइस क्यों नहीं पता कि मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं बर्गर किंग के पास से होके आ गया, एम्बियंस अच्छी नहीं थी तो बस इसलिए आ गया हूँ, लेकिन मैंने प्राइस नहीं पता की और मैंने देखा भी नहीं कि वहाँ पर क्या खा सकता था मैं। अब भूख तो लगी है, क्या करें, मेरा ख्याल है हम ना मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। लेट्स हैव सम मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स देखते हैं कैसा है। इज देयर एनी मैकडॉनल्ड्स एट टर्मिनल 3 आल्सो? इज देयर एनी मैकडॉनल्ड्स एट टर्मिनल 3 आल्सो? बर्गर किंग या आई हैव सीन दैट बट नॉट मैकडॉनल्ड्स। ओके सो आई वुड लाइक टू ऑर्डर फिलो फिश द लार्ज मील। ओके या डबल टू ड्रिंक्स इन ड्रिंक विल बी स्प्राइट। एनीथिंग एल्स? नाह। डू यू लाइक टू ईट हियर और टेक अवे? Eaten. 33 dirhams, I think. Can I give you in pounds? Yes, 8 pounds. Sir. 8 pounds, right? Okay, let me give it. Okay, now. Here you go, sir. Okay, thank Just you so much. Have a seat, please. Okay. So, इन्होंने change जो है वो dirham में दिए और मैंने इनको pound दिए थे. So, 2 pounds जो है वो इन्होंने dirham में दे दिए. चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या करना है इसका. You're about to sit here. ताकि व्यू भी ज़रा ये आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सिट ओवर हियर और यहाँ पे हम अपना सामान रख के एंड खाएंगे। ये क्रू मेंबर्स जो है वो खाना खा रहे हैं। फुल अब हम खाएंगे वेज के, तो अभी फुल हम खाते हैं। उसके बाद सीन ये है कि यार इस वक्त मेरे पास 3 घंटे बचे हैं, उसमें मैं कुछ खा लूँगा। हो सकता है कि मैं जो है ना अभी एक खाना खा के उसके बाद शायद नमाज़ पढ़ लें हम, क्योंकि नमाज भी इंपॉर्टेंट है। आई सी, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर रूम्स हैं तो जुमा भी आज, तो जुमा पढ़ लेते हैं अगर शुक्र पा के देखते हैं एंड देन हम आगे चलेंगे। होप कि ये सीरीज़ मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा और आपको पसंद आएगी। इसके बाद हम जाएँगे हीथ्रो और हीथ्रो का भी बनाएंगे थोड़ा सा, लंदन हीथ्रो एंड फिर इसके बाद लंदन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक देना आप यार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर देंगे। आई एम फाइनली डन, खा लिया, बहुत खुश थी हमने पेट भर के और अब हम जा रहे हैं वापस टर्मिनल 3 पे और वहीं से जहाज़ चलेगा एंड वहीं पे बैठ के अब इंशाल्लाह नमाज पास पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर जहाज़ का वेट करते हैं। तो यार सब कुछ खा लिया था और उसके बाद आपका भाई बैठ गया था, थक गए थे फुल क्योंकि सोया नहीं हुआ रात से एंड नाउ वी आर गोइंग लंदन। सो लेट्स गो, वो जहाज़ वहाँ पे रेडी है एंड तो हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। जहाज़ में बैठने लगा, सो टू प्रे फॉर मी इस सेफली पहुँचे। सो आ चुके हैं हम इस वक्त जहाज़ में और जहाज़ में मुझे सीट मिली है 34A। इट्स एट द एंड बट लेट्स सी हाउ इट गोस। ये
ये हो गई जी विंडो सीट, दैट वॉज इट। और यहाँ तक हमारा जो सफ़र है वो अबू धाबी तक का सफ़र हो गया कि हम जाएंगे हीथ्रो लंदन। सो वो अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर।